देश में वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का फैसला किया तो शुरुआती ट्रेन कहां से चली? शुरुआती वंदे भारत ट्रेनों में से एक दिल्ली से कटरा के लिए चलाई गई। आज दो दो वंदे भारत ट्रेनें यहां दिल्ली से पहुंचती है। पहले जब मैं यहां आता था तो रेलवे स्टेशन की हालत बहुत खराब थी। बीते वर्षों में कटरा रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन में नई सुविधाओं का निर्माण हुआ है। आज उधमपुर और रामबन की दूरी लगभग सिमट गई है। चेनानी नासरी टनल बनने से जम्मू और श्रीनगर आने जाने में कई घंटे कम टाइम लगता है। ऐसी कई टनल जम्मू कश्मीर में बन रही है जिससे हमारा ये राज्य देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बन रहा है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर भी तेजी से काम चल रहा है, इसलिए दिल्ली आना जाना और आसान होगा। इससे यहां फल और सब्जी के किसानों को भी बड़ा बाजार मिलेगा। साथियों, आज जम्मू कश्मीर का पानी यहां के किसानों, यहां के नौजवानों के काम आ रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारों ने तो अपने हक का पानी तक सीमा पार जाने दिया। ये यहां बड़े डैम बनाने तक की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कांग्रेस तो इतने दशकों तक शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट को हाथ भी नहीं लगा पाई। इसके कारण जम्मू डिवीजन की हजारों हेक्टेयर जमीन बंजर हो रही थी। भाजपा सरकार न आती तो आज भी कठुआ और सांबा जिले के सैकड़ों किसान, वो हमारे किसान परिवार बेहाल होते। अब शाहपुर कंडी डैम बनने से हजारों किसानों को नई जिंदगी मिली है। आज जम्मू डिवीजन में चार बड़े बिजली कारखानों पर काम चल रहा है। पाकलदुल प्रोजेक्ट हो, कीरू पावर प्रोजेक्ट हो, रतले प्रोजेक्ट हो, क्वार पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे जम्मू वालों को बिजली तो मिलेगी ही, अनेक नौजवानों को रोजगार भी मिल रहे हैं। और इसलिए साथियों, ये ऊर्जा के क्षेत्र में क्वार प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट हो, इनसे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। इस क्षेत्र में अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत समस्या रही है। यहां के साथी जब मिलने आते थे तो जिला अस्पताल की बात करते थे, मेडिकल कॉलेज की बात करते थे। मोदी ने आपसे किया वादा निभाया है। आज रियासी में
जिला अस्पताल अब बेहतर तरीके से काम कर रहा है। उधमपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन चुका और इसकी नई बिल्डिंग के लिए भी तेजी से काम हो रहा है। अभी आप सभी को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। अब जम्मू कश्मीर ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद वो 7 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त करवाएगी। भाइयों और बहनों, आज इस क्षेत्र में जो शानदार सड़कें बन रही हैं, जो रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे टूरिज्म को भी नए पंख लगे हैं। पिछले साल ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर आए हैं। पिछले साल 95 लाख श्रद्धालु तो यहां माता रानी के दर्शन करने आए थे। इससे हमारे छोटे छोटे दुकानदारों, फल फूल बेचने वालों, किसानों, ऑटो टैक्सी चलाने वालों सबको फायदा हुआ है। आने वाले सालों में तो पर्यटन का बहुत बड़ा विस्तार यहां होने वाला है। जम्मू और पटनी टॉप पर रोपवे शुरू हो चुके हैं। बसोली टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एडवेंचर टूरिज्म के रूप में तैयार किया जा रहा है। यहां उधमपुर में देविका रिवर फ्रंट का काम भी जल्द ही पूरा होने वाला है। जम्मू में तवी रिवर फ्रंट पर काम चल रहा है। इससे स्थानीय लोगों को भी अच्छा माहौल और अधिक पर्यटकों की भी चांदी होने वाली है। साथियों, मैं जब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम करने के लिए इस क्षेत्र में जब भ्रमण करता था, तो मेरे जो यहां के पुराने साथी मुझे नजर आ रहे हैं सारे, ये पुराने मेरे सभी साथी मुझे कलाड़ी खिलाया करते थे। और उधमपुर की कलाड़ी की तो बहुत चर्चा होती थी। मुझे खुशी है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में उधमपुर की कलाड़ी को जीआई टैग मिला है, यानी अब यह पक्का हो गया है कि कलाड़ी का जन्म यही हुआ है, ये इसी जिले का उत्पाद है। बसोली पश्मीना और उधमपुर की कलाड़ी, इनकी डिमांड अब बहुत बढ़ने वाली है। ये हमारे पशुपालकों, हमारे बुनकरों के लिए नए मौके लेकर आएगा। भाइयों और बहनों, भाजपा जम्मू के चौतरफा विकास के लिए समर्पित है। भाजपा यहां के नौजवानों को वो मौके देना चाहती है जिससे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उन्हें वंचित रखा है। देश का नाम रोशन करने वाले पैरा एथलीट राकेश और शीतल की सफलता में कटरा का बड़ा योगदान है।
इसी धरती की इन दोनों संतानों ने भारत का मान बढ़ाया है। देश के लिए गौरव दिलाने वाले इन दोनों मेडल विजेताओं की ट्रेनिंग यहीं इसी स्थान पर हुई है, मां वैष्णो के आशीर्वाद से हुई है। यहां आने से पहले वे दिल्ली में भी मेरे मेहमान थे। साथियों, आप मुझे बताइए, जब छोटी सी बिटिया शीतल सटीक निशाना लगाती है, दुनिया के दिग्गजों को पछाड़ती है, तो आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है आपको? जब राकेश का अचूक तीर टारगेट पर लगता है, यहां हर घर में तालियां बजती हैं कि नहीं बजती हैं? जम्मू कश्मीर का हर नौजवान ऐसे ही सफलता की बुलंदियों पर पहुंचे, उसके लिए यहां अवसर ही अवसर है। और ये अवसरों का निर्माण करना, ये मोदी का संकल्प है। और इसलिए मोदी जम्मू कश्मीर के विकास के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। साथियों, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कभी यहां के नौजवानों का भला नहीं कर सकते। इन तीन दलों ने यहां के नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया है। इनके इस पाप ने सिर्फ कश्मीर में ही आग नहीं लगाई, जम्मू को भी झुलसाया। और इसका फायदा सीमा पार बैठे देश के दुश्मनों ने उठाया है। कुछ महीने पहले यहां माता के भक्तों पर कायराना हमला हुआ है। मैं विजय कुमार जी को नमन करता हूं, उन्होंने शिवखेड़ी में श्रद्धालुओं को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया।